सर। जी मैम, और आगे की कड़ी में मैं हमारे वरिष्ठ साथी प्रदीप जी गोयल को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि आप अपना स्मृति चिन्ह लेकर बच्चों को आशीर्वाद देंगे। और ये कहते हैं इसके बच्चे बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं अपने टीचर्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति और स्कूल के प्रति। इनका लगाव आप देखना, जैसे जैसे फेयरवेल परिवार तक पहुंचेगी इनके हृदय की दशाएं आपको बता देगी कि ये स्कूल को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, ये है ना। आज आंखें जरूर दिखाई नहीं दे रही क्योंकि चश्मा देखते ही बनता है कई होंगे। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एंजॉय कीजिए, आज का दिन आपका है। यस, परफॉर्मेंस बाय साक्षी एंड रितु। थैंक यू वेरी मच। और स्वागत अभिनंदन की अगली कड़ी में अब हम चाहेंगे सब कुड़ियां तो सोनी।
का मेरा प्रश्न ये है कि एक सर थे यहाँ पे पहले और उन्होंने किसी मैम से कहा कि मैम आप मेरी बेटी का ना क्लास में ध्यान रखा करो। तो मैम ने कहा कि सर मुझे क्या पता आपकी बेटी कौन सी है। अच्छा थप्पन सर देखे। तो सर ने कहा कि जो कक्षा में सबसे सुंदर है ना वो मेरी बेटी है। तो पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति ये जो रवैया है इसके बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं? ये है आपका क्वेश्चन। सर सारे बच्चे सुंदर ही होते हैं, टीचर्स के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, कोई सुंदर नहीं कोई खराब नहीं। नहीं अपने पेरेंट्स का अपने बच्चे के लिए कहना कि जैसे भाई साहब से पूछूं ये दो बच्चियां दो तीन बच्चियां हैं तो वो कहेंगी सब शोभना सबसे सुंदर है, इसके प्रति आप पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या कैसा ख्याल है ये? पेरेंट्स के लिए तो अच्छा ही ख्याल है उन्होंने मेरे बारे में इतना कहा। ओके वेरी गुड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ट्विंकल 12 सी हर कोई पूछ दे हुआ वे मिलो संग नी पूछ दे हुआ वे मिलो संग नी नचदी तो की बार Okay, Twinkle, your question is this, from Twinkle, Twinkle, Little Star, to till today, which type your journey? Means, हमने सफर शुरू किया Twinkle, Twinkle, Little Star से आज आगे farewell तक, ये सफर कैसा रहा? सर, बहुत ही अच्छा रहा, और आगे जाके भी मैं इस सफर को बहुत ही ज्यादा miss करूंगी। Okay, अभी ये तो देखो दौर फर्स्ट पार्ट है, सेकंड में आएगा ये विदाई समारोह सेकंड फेज में होगा। ओके वेरी गुड गॉड ब्लेस यू। वर्षा कुमारी आप अंदाजा लगाएं, वर्षा कुमारी यहां स्कूल के स्टाफ में सतपाल सर। ओके ओके वर्षा कुमारी अंदाजा सही है कि सतपाल सर की बेटी है ये। और वर्षा कुमारी से मेरा क्वेश्चन है कि अगर वर्षा कुमारी सतपाल सर को स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आपका क्या ख्याल है? श्वेता मैम के सामने कह रहा हूं ये कि मान लीजिए कि श्वेता मैम के लिए कोई डायरेक्टर और कोई पद क्रिएट करे मान लो और सतपाल सर को स्कूल के प्रिंसिपल बना दिया जाए फुल फ्लैश, तो आपकी खुशी का जो है पैरामीटर क्या होगा? मतलब खुशी आज भी इतनी है, वाइस प्रिंसिपल भी और प्रिंसिपल होंगे तब इतनी खुशी। ओह वेरी गुड, इसका कारण क्या है? ये इतना सुंदर आंसर कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ये सतपाल सर के दिव्य संस्कार। और खुशी आपको तो हो या ना हो लेकिन श्वेता मैम को बहुत ज्यादा हो रही है। और मेरे से श्वेता मैम पूछे स्पोज करो तो वो कहेंगे कि बस रहन दे छेड़ना करता हूं मैं। अरे क्यों? अच्छा काम है बढ़िया चल रहा है भाई, क्या दुश्मनी है तेरे को मेरे से? ओके नेक्स्ट वृंदा बिश्नोई 12 सी आंखन मुड़ के लग जोर की पड़िया एक दी योगेश वर्मा 12 सी अंशप्रीत मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप अपना गार्गी हॉस्टल का कोई एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहें
तो आप क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेंगे? Anshpreet, your question is this: do you think men and women have different opinions about shopping?
गिफ्ट प्रेजेंट करने वाले बच्चे मंच पर आए प्लीज। जो बच्चे इन टीचर्स के साथ एसोसिएट है वो मंच पे आए प्लीज। Thank you.
और इकोनॉमिक क्लास सर प्लीज मैं क्लास को लेकर क्या बोलूँ, स्वीट ट्वेल्थ के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें नेक्स्ट ईयर ट्वेल्थ के लिए। बिल्कुल फ्यूचर सा क्या ना सर बताओ बताओ क्या ¡Gracias!
Thank you.
MRM Yes sir Haan ji sir Haan ji sir Haan ji samne samne budhi ho samne ek minute ko ma'am ओके हाँ भाई प्रोग्राम पर एक टेबल नागरा सर हेलो बोल 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 हाँ सभी क्या बात है सेलिब्रेशन का देखो क्या बात है कितनी मासूमियत है देखो ना अरे भले लोगों बार बार दिन ये आए मतलब ट्वेल्थ की फेयरवेल है ये ओके तो ठीक एक प्राइज हो रहेगा सर एक मिनट एक प्राइज जो है अभी यस ये हाँ तो सभी विजेताओं को उपविजेताओं को और विशेष पुरस्कार पाने वालों का सभी का धन्यवाद सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी बहुत बहुत आभार आपको हम
ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬੋਲਦੀ ਮੁੰਡੇ ਚੋਂ ਸਤਾਰ ਪੁਣਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬੋਲਦੀ ਮੁੰਡੇ ਚੋਂ ਸਤਾਰ ਪੁਣਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੇ ਸਤਾਰੇ ਬੱਲੀਏ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਜਾਏ ਲੱਗਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ